सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जैसा कि आपने अखबार खबर में देखा, आज आपको बताऊंगा इंडिया में जब लॉकडाउन पीरियड खत्म हो जाएगा तो जो टॉप 5 जॉब्स जो हाई पेइंग डिमांड रहने वाली है, जो जॉब्स टॉप 5 बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो ऐसी जॉब्स बताऊँगा जो कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब कोरोना वायरस का पीरियड खत्म हो जाएगा, तब आपको वो जॉब्स करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ऑफलाइन सारे धंधे बंद हो चुके हैं और जो जॉब्स आपको बताने वाला हूँ वो सब ऑनलाइन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ऑनलाइन की जो इंडस्ट्री है वो कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि भाई जो ऑनलाइन अगर बंद हो गया तो सारा देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। इसलिए इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा। आपके अगर आप कोई शॉप चलाते हो या फिर आपको कोई बिजनेस है या फिर स्टार्टअप चलाते हो, तो आपको अपने उस सारे बिजनेस स्टार्टअप और अपनी शॉप को ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा कैसे ना कैसे। आज आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसी जॉब्स, अगर आप बेरोजगार बैठे हो अपने घर पे, अगर आप एक कंपनी ने आपको फायर कर दिया है, आपको निकाल दिया है आपकी कंपनी से लॉकडाउन की वजह से, अगर आपको सैलरी नहीं आ पा रही है लॉकडाउन में, तो इन टॉप 5 फील्ड्स में आप एंटर मार दो, अपना कदम इन टॉप 5 फील्ड्स में रख दो। मेरी गारंटी है कि आने वाले टाइम में ये जॉब्स हाई पे डिमांड रहने वाली है, क्योंकि ये सब जॉब्स ऑनलाइन से जुड़ी हुई है और आप घर से बैठे वर्क फ्रॉम होम इनसे बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आपका टाइम ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अपनी पहली फील्ड आती है, जो अपनी पहली स्किल आती है, जो आप सीख सकते हो उस लॉकडाउन पीरियड में फ्री में ऑनलाइन सारी स्किल्स आपको मिल जाएंगी, जो कि आप वेबसाइट्स पे जाकर सीख सकते हो। तो पहली जो अपनी स्किल आती है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हो इस टाइम में, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है इस फील्ड में एंटर होने का। तो आपने अगर इसका नाम पहली बार सुना है तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, और आप इसका नाम सुन चुके हो, उसके बारे में थोड़ा जानते हो तो और सुन लो और इसके बारे में थोड़ी नॉलेज बढ़ा लो। तो भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल प्लस मार्केटिंग, यानी कि किसी प्रोडक्ट को अगर आप कोई ऑनलाइन बिकवाते हो, यानी कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को ऑनलाइन बिकता है, जब उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग यानी कि उसकी की विज्ञापन करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। चाहे वो SEO से हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, YouTube, Instagram, Facebook, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी भी तरीके से अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग करवाते हो तो आपको उसमें से कमीशन देती है कंपनी। आज जैसे कि आपको कोई यूट्यूब चैनल है, आपके पास लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, तो भाई आपको कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप करेगी, यानी कि कोई कंपनी का मोबाइल आया, जैसे Xiaomi का फ़ोन आया, तो वो कंपनी आपको देगी और आपसे कहेगी कि इस फोन का रिव्यू करो आपके चैनल पर, आप अपने ऑडियंस तक पहुँचाओ और आपको 10,000-20,000 जितनी भी उनका जो फिक्स अमाउंट है वो आपको देंगे। तो यही है डिजिटल मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बिकवाना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। और भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस वीडियो में आपको मैं पूरी कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं इस पर पार्टिकुलर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर दो। तो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, जो अपना दूसरा पॉइंट आता है, जो अपनी दूसरी स्किल आती है, फील्ड आती है, वो है एडिटिंग। एडिटिंग आप सब जानते हो, नहीं जानते तो थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपने पहले बच्चे का नाम सुना नहीं तो सब जानते हैं आजकल एडिटिंग क्या होती है। अगर आप यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो आपको जरूर पता होगा कि एडिटिंग क्या होती है। एडिटिंग वो है जो कि आप अपनी फोटो के संग अपनी वीडियो के संग करते हो, यानी आप अपनी फोटोज और वीडियोस को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए आप उसमें एडिटिंग करते हो, उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट लगाते हो, शार्पनेस घटाते हो, बढ़ाते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हो, ब्राइटनेस बढ़ाते हो, और उसमें एनिमेशन लगाते हो और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स लगाते हो। तो वही वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग आज बहुत ही बड़ी फील्ड बन चुकी है, क्योंकि आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको इधर एनिमेशन डालता हूँ, फोटो डालता हूँ और बैकग्राउंड लगाता हूँ, सब कुछ भाई लगाना पड़ता है, क्योंकि और अच्छी तरह से मैं अपनी वीडियो को प्रदर्शित कर सकूँ आपके सामने, इसलिए ये सब करना पड़ता है। नहीं तो अगर मैं सारा वीडियो जैसे मैं अभी बना रहा हूँ ऐसे डाल दूंगा तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं एनिमेशन डालता हूँ, फोटो डालता हूँ और टेक्स्ट डालने से आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ जाता है और भी और अच्छी वीडियो का जो देखने का अच्छा तरीका होता है वो और अच्छा बेहतर हो जाता है। भाई आप इसमें पैसे कैसे कमा सकते हो, इसमें आप जॉब कैसे कर सकते हो? भाई इस लॉकडाउन पीरियड में आप फ्री बैठे हो, भाई एडिटिंग को सीख लो। एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको फ्री में एडिटिंग सिखाते हैं, और भाई यूट्यूब पर तो लाखों ढेरों ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जो आपको फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग फ्री में सिखाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियोस में हैं। पिक्सार, पिक्सल लैब और भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फोटो एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए कायमास्टर और पावर डायरेक्टर जैसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जो कि आप इनको फ्री में डाउनलोड करके, इनको इंस्टॉल करके आप इनमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, सीख सकते हो।
और भी भाई बहुत सारा आप वीडियो एडिटिंग में कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं सीखना चाहते हो तो थोड़ा भी थोड़ा बहुत बेसिक चीज सीख लो, जिससे कि आप अगर आप कोई सर्विस दे सकते हो अगर अच्छी वीडियो एडिटिंग की नॉलेज है भाई, आप उसको फ्रीलांसर फाइवर और कौन जैसी कंपनीज के साइट पर जाकर अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हो, आप दूसरी कंपनीज के लिए काम कर सकते हो और वो आपको हाई पेइंग देती है भाई, क्योंकि जो US और UK जैसी कंपनीज है वो 10-20 डॉलर कुछ मानती नहीं है, उनके लिए तो बस चिल्लर है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा 700-1500 रुपये बहुत हो जाते हैं। वो आपको बहुत सारे पैसे देती है कि आप उनकी वीडियोज को एडिट करो और वो आपको उसके बदले पैसे देती है, तो ऐसे भी आप फ्रीलांसिंग में भी वीडियो एडिटिंग में जा सकते हो। तो अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो दोस्तों जो अपनी तीसरी जॉब आती है वो है ऑनलाइन एजुकेशन की जॉब। ये जॉब कह सकते हो, स्किल कह सकते हो, फील्ड कह सकते हो, तीनों की बात है, लेकिन आपसे आपको इनसे फायदा होने वाला है, इनसे आपको पैसे कमाने वाले हो आप, इनकी जरूरत है भाई अगर आप इन्हें स्किल को सीख लेते हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन में आपको करना क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट जानते हो तो आप कोई ऐसी चीज़ बना सकते हो या कोई ऐप ऐसा वेबसाइट बना सकते हो, कोई ऐसा ब्लॉग बना सकते हो जिससे कि बच्चों की मदद हो जाए, टीचर्स की मदद हो जाए पढ़ने में। जैसे आप सब जानते हो कि आजकल हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है, टीचर्स घर से वीडियो कॉल से पढ़ा रहे हैं और व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं और PDF भेज रहे हैं चैप्टर्स की। तो भाई आप भी ऐसा कोई वेबसाइट बना सकते हो, कोई ऐप बना सकते हो, तो भाई जिससे भी मदद से टीचर्स जो है उस ऐप या वेबसाइट पर अपने कॉन्टेंट डाल दें और सभी पूरे स्कूल को वो कॉन्टेंट पहुँच जाए। क्योंकि अगर व्हाट्सएप पर भेजते हैं एक एक बच्चे को तो बहुत नेट वेस्ट होता है, बहुत टाइम भी लगता है। तो आप कोई ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, जो कि वो आपको पेइंग करेंगे, क्योंकि भाई इस टाइम उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि वो अपने धंधे को यानी अपने बिजनेस को अपने स्कूल को ऑनलाइन ले लिया है, क्योंकि भाई बिना ऑनलाइन लेकर वो अपने स्कूल को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि भाई इतने सारे बच्चों को एक डेढ़ बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ऑफलाइन तो पढ़ नहीं सकते, ऑनलाइन भी व्हाट्सअप पर जाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही बच्चों को इतने सारे वीडियो 2000 वीडियोस भेजनी पड़ती है, 2-4-5 हर सब्जेक्ट की वीडियो एक एक भी आती है तो महीने की कम से कम 180 वीडियो हो गई, इतनी वीडियोज को टीचर झेल नहीं पाएंगे। इसलिए भी आप भी ऐसे कंटेंट ऐसा कोई चीज़ बना सकते हो, कोई ऐप बना सकते हो, कोई वेबसाइट बना सकते हो या फिर ऐसे कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो अपने टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को, किसी भी पर्सन को जिससे वो आपको पेइंग करे। ऑनलाइन एजुकेशन में आजकल बहुत चलने वाला है। आप सबको पता है कि जब नोटबंदी हुई थी तो सारे जो बिजनेस है वो ऑनलाइन आ गए थे, सब ऑनलाइन पेमेंट करने लगे थे। तो भाई ये मेरा दावा है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो जो सारे स्कूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब अपने आपको डिजिटल नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि भाई जो ऑनलाइन है वो बहुत इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है, 2-4 गुना लॉकडाउन में और ग्रो करेगी, वैसे तो ग्रो कर रही थी और भी ग्रो करेगी, क्योंकि अब हर टीचर ये चाह रहा है कि उसको वो भी ऑनलाइन पढ़ाए, घर से ही पढ़ाए और उसका जो कंजुम्पशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि भाई बच्चे घर पर आते हैं, पंखे और बिजली घर बिल होता है, अगर वो ऑनलाइन ही पढ़ा रहते हैं तो भाई उनका जो हर चीज़ का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा और भाई फीस भी कम हो सकती है, क्योंकि भाई ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा बस नेट ही खर्च होता है और कुछ खर्च नहीं होता है। इसलिए भाई ऑनलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी हो गई, कंपल्सरी हो गई है, आज हर टीचर चाह रहा है कि वो भी ऑनलाइन पढ़ाए, हर बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ रहा है। तो भाई ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड भी बहुत अच्छी है, आप इसको सीख सकते हैं, ऐप डेवलपिंग वेब डेवलपिंग आप इसको सीख सकते हैं और अभी आप बहुत अच्छा पैसा लॉकडाउन के बाद कमा सकते हैं। तो दोस्तों जो अपनी चौथी जॉब आती है, फील्ड आती है, वो है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बहुत ही बड़ी फील्ड है भाई, आप सब जानते हो दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की फील्ड में ही है, यानी अमेजोन की मैं बात कर रहा हूँ। अमेजोन बहुत ही बड़ी कंपनी है, आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी उसमें आती है, क्योंकि भाई वो छोटी से छोटी चीज़, अगर आपको कोई सुनी सी लेके और आपको फ्रिज तक और कूलर तक एसी तक आपको कुछ मंगाना है तो आप सब अमेजोन से मंगा सकते हो, क्योंकि तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं। अगर आपको कुछ भी मंगाना है सब आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो और अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट से मंगा सकते हो। तो ई कॉमर्स बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और इसके बाद तो ये और बड़ी होने वाली है, क्योंकि भाई आज हर कोई चाह रहा है कि वो घर से बाहर ना निकले और जो उसका सामान है, जो उसका प्रोडक्ट है वो घर पर आ जाए, भाई 2-4 रुपये एक्स्ट्रा चले जाए, क्योंकि भाई हाइजीन ज़्यादा जरूरी है, हेल्थ ज़्यादा जरूरी है। आज लोगों को पता चल चुका है कि टाइम इज मनी नहीं है, लाइफ इज मनी उनके लिए आज हो चुकी है। तो भाई ई कॉमर्स बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और आप इसमें कैसे कमा सकते हो, इसमें कुछ तरीके हैं ई कॉमर्स में कमाने के। या तो आप अपना अमेजन और फ्लिपकार्ट सब प्लेटफॉर्म आ सकते हो, लेकिन भाई इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी, बहुत सारी टीम लगेगी, इसलिए मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा ऑप्शन ई कॉमर्स में आता है अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी पहले से बनी हुई है, तो दूसरी कंपनी बनाने की जरूरत ही क्या है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, आप डिलीवरी मैन की इसमें नौकरी कर सकते हो लॉकडाउन के बाद, क्योंकि भाई ये फ्लिपकार्ट ने भी और अमेजोन ने भी कहा है कि हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, डिलीवरी मैन की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि वो और लोगों का वैल्यू प्रोवाइड कर सके, अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। और आप क्या कर सकते हो, और आप इनमें एफिलिएट जा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपको और पिछली वीडियोज में बताई थी कि क्या होती है, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुँचाते हो, तो भाई सीधे डायरेक्ट अमेजोन से आप कुछ खरीदते हो तो वो है सीधे डायरेक्ट सेलिंग, तो भाई और आप एफिलिएट इनकम वो होती है जैसे कि सीधे ना खरीदने के बजाय आप किसी और के द्वारा उसको खरीदते हो और वो थोड़ा कमीशन लेता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ,
जैसे कि कोई ये कंपनी है एक, और ये एक आदमी है जो कि एफिलिएट इनकम करता है और आप ये कस्टमर हो, तो वही जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा कि अपना प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी पर लिस्ट कर देगा। तो जो अब बीच में जो अपना ये एफिलिएट इनकम वाला पर्सन है, सेकेंड पर्सन, ये इधर से प्रोडक्ट को उठाएगा उठाएगा और अपना इसमें थोड़ा सा कमीशन जो देगा प्रोडक्ट में, और अपने कस्टमर तक इधर पहुँचा देगा, क्योंकि भाई उसको भी थोड़ा बहुत कमीशन चाहिए। वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करके बीच में काम कर जाएगा, थोड़ा बहुत कमीशन लेगा और आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट पहुँचाने की कोशिश करेगा अपने कस्टमर को। तो यही एफिलिएट इनकम, तो आप भी इस तरह से जा सकते हो। तो दोस्तों जो अभी अगले फील्ड आती है, पांचवी फील्ड आती है टेक्निकल जॉब्स। आप सबको पता है ये जो टाइम चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, यानी कि आज हर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर ऐसे वेबसाइट्स पर जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं वेबसाइट पर जाकर अपना टाइम इन्वेस्ट करके और उससे कुछ पैसा कमा रहे हैं। टेक्निकल जॉब्स वो होती है जो जैसे कोई कंपनी है अगर वो ग्रो करना चाहती है तो उसे कुछ आदमी की जरूरत पड़ेगी, जो ऐसे लोग होंगे जो कि उसको टेक्निकली सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अगर किसी कंपनी को ग्रो करना है तो उसे साइबर सिक्योरिटी और वेबसाइट जैसी कंपनी में आना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसको सिक्योर करने वाला कोई आदमी चाहिए होगा, आप हर काम खुद नहीं कर सकती, आपको कोई जरूरत होगी किसी आदमी की। तो ऐसे ही कंपनीज को जरूरत होती है किसी आदमी की जो उसके डाटा को सिक्योर कर सके, उस चीज़ को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। ऐसी उनको जरूरत होती है कोई उनको डाटा को सेव करके रखे तो साइबर सिक्योरिटी उसमें काम आती है। तो भी और भी ऐसी जॉब होती है जो कंपनीज को काम आती है, जैसे कि बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट एप्पल और एमेजॉन जैसी कंपनीज को बहुत सारे टेक्निकल जॉब्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई उनको अपना सर्वर डाउन नहीं करना है, उनको अपने अच्छे अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स तक, जिससे कि उनको गुस्सा नहीं आए। अगर आप टाइम लगाओगे कोई वेबसाइट खोलने में तो वो कस्टमर उधर से चला जाएगा तो वो एडिटेड हो जाएगा, इसलिए वो अपने सर्वर को एकदम फास्ट रखते हैं, इसलिए टेक्निकल जॉब्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो भाई आप उसमें क्या कर सकते हो, ऐप डेवलपिंग, वेब डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, SEO, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं टेक्निकल जॉब्स की जो आप इन लॉन्ग टर्म में सीख सकते हो, और भाई आने वाले टाइम में आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप में अगर अच्छी स्किल्स होगी तो जॉब्स आपके आराम से मिल जाएंगे, कंपनीज आपको अच्छे से हायर करेंगे और अच्छी आपको जॉब्स के लिए पे भी करेंगे, क्योंकि टेक्निकल जॉब्स की बहुत जरूरत पड़ चुकी है। आज हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है, आज हर सॉफ्टवेयर जा रहा है कि उसका जो सामान है वो ऑनलाइन होगी, तो आप भी ऐसे कोई प्रोडक्ट बना सकती हैं, आप भी ऐसे कोई काम कर सकते हैं जो कि आप ऑनलाइन लेके जाएँ, ऑनलाइन लेने के बाद आप एक कस्टमर जो होंगे वो आप ऑनलाइन खरीदेंगे, और भाई हाइजीन भी बनी रहेगी और आप भी दूसरों अपने प्रोडक्ट दूसरों तक पहुँचा पाएंगे और उसे पैसा भी कमा पाएंगे। तो आप टेक्निकल जॉब्स की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप भी इनमें अपना कदम रख सकते हैं, और टेक्निकल जॉब्स की जो फील्ड्स हैं ऐप डेवलपिंग, वेब डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, आप इनमें जा सकते हैं और भी अच्छे अच्छे कोडिंग अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, और आप भी कुछ अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं टेक्निकल जॉब्स के द्वारा। भाई पहले आप टेक्निकल जॉब्स कीजिए, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो अपना आप स्टार्टअप और बिजनेस भी खोल सकते हैं। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है इसलिए क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपके लिए और अच्छी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, हमें मोटिवेट कीजिए। मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।